हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों के मनी रिलेटेड रीडिंग लेके आया हूं। कैसा रहेगा आपके मनीटरी गेम, कौन से मुसीबतें आप फेस कर रहे हो, कहां पे आप लोग जा रहे हो, सारी चीज़ देखेंगे। ये वीडियो अगर आपके फीड में है या फिर आपके नोटिफिकेशन आए हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये वीडियो से कुछ कहना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप इंट्यूटिवली लीजिए। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हो, अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप मान लीजिए अभी मनीटरी फोकस में भी नहीं है आपके, फिर भी आपको ये वीडियो देखना इसीलिए है ताकि आपको एक चीज़ पता चले कि कैसे आप अपने मनी को और भी अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो। मेरा कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फेक प्रोफाइल्स या फिर एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स नहीं है। टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी ये है, टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी वो है मेरा ट्विटर हैंडल। ट्विटर हैंडल में मैं मेरे बुक्स पढ़ने के बाद जो भी रिव्यूज है या फिर कोट्स है वहां पे मैं अपलोड करता हूं, और ट्विटर में भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, आप मैसेज करके रखो, अगर मैं फील करूंगा तो भी मैं पर्सनल रीडिंग कर सकता हूँ। एंड उसका चार्जेस है 599 रुपीज़, 1 आवर 15 मिनट्स। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री देन द अमाउंट बी $20 एंड द ड्यूरेशन विल रिमेन द सेम। ओके सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। छोटा सा वीडियो है, एक तक जरूर देखिएगा। चलिए देख लेता हूं कि आपके मनीटरी स्टेटस अभी क्या है। ओके फर्स्ट कार्ड है सन, डेफिनेटली सेकंड जो कार्ड आया है टावर। ओके उसके बाद जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ। देखिए मेजर ब्रेक थ्रू आए हैं, मेजर ब्रेक थ्रू कैसे, सन एक बहुत अच्छा बैकअप था, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे थे, ग्रीप अच्छा था। एंड मैं देख रहा था कि आपके पैसा भी आ रहा था, ठीक ठाक करके कुछ बना भी रहे थे, हो सकता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट भी किए हो, या फिर हो सकता है रिसेंटली कुछ स्टार्ट भी किए हो, 2-3 महीना हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत स्टेडी एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड आप क्रिएट किए थे। बट अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं चल रहा है, लिटरली लॉस फेस किए हो, पैसा नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड शायद हुए हो, या फिर कुछ भी तरीके से फ्रॉडुलेंस एक्टिविटी हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है, लाइक अभी आप सोच नहीं सकते हो कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसा जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जितना भी सेव करने की कोशिश कर रहे हो हाथ से निकल जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे कि कैसे आप सर्वाइव करोगे, जॉब भी मतलब ढंग का कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिसेंटली आपको सोकॉश किया है, या फिर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिला है, या फिर आपको आप जैसे चाहते थे वो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ऑल ऑफ अ सडन आना स्टार्ट हुआ है, समझ में नहीं आ रहे कि क्या आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्या आप फाइनली खुद स्टैंड लेंगे। जी हाँ, द आंसर इज यस। देखिए जुलाई अगस्त के महीने से मैं देख सकता हूँ एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस में हो, इस सिचुएशंस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, सडन चेंजेस आए हैं, और यही फेस, ये जो सिचुएशन है ये बहुत डिफिकल्ट फेज है, और डिफिकल्ट फेज को मान लो, अब्सॉर्ब कर लो, इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि डार्क टनल के बाद एक बहुत अच्छे उजाला आ रहे हैं और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये डिफिकल्ट फेज आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ये इंट्यूटिव रीडिंग मैं आपको दे रहा हूं, और ये विश्वास करके रखो कि कुछ भी अगर हुआ है आपके लिए, जो चीज वेट कर रहे हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आप सच्चाई के साथ जीते हो, आप ऑनेस्ट हो, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप मदद करना चाहते हो, आपके किसी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं है, स्पेल हुआ है, लोग बुद्धू बनाए हैं, चीट किए हैं, करने दो, कार्मिक बैगेजेस है, चला गया, फिर भी वापस आएंगे, आपके हार्ड वर्क को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देख लेता हूं कौन से मुसीबतें को आप
फेस अभी कर रहे हैं। फर्स्ट मुसीबत है स्टक, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और एक ही जगह पे स्टक हो, साइकिल एक ही तरीके से चल रहा है, ना तो कुछ बढ़ रहा है ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से अब जाएंगे। लोन से बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम्स भी है, एक्सपेंसेस भी है, पता नहीं चल रहा कि कैसा होगा। सेकेंड कार्ड यहाँ पे है द फुल, नए तो स्टार्ट किए थे कुछ चीज बट कैसे फाइनली वो चीज को आप इंतजाम देंगे पता नहीं चल रहा है, आपको कंफ्यूज हो, रिस्क ले रहे हो बट कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ एनर्जी ड्रेन्ड हो रहे हैं। जजमेंट हो सकता है कुछ जॉब को छोड़े हो, रिसेंटली कुछ जॉब पे ज्वाइन किए थे सोचे थे बहुत अच्छा होगा छोड़े हो, या फिर बिजनेस आइडियाज को छोड़े हो, या फिर डिसीशंस तो लिए थे बहुत कुछ बट कुछ कर नहीं पाए हो, उस डिसीशन से खड़ा नहीं रह पाए हो। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो कि कौन सी चीज को हाँ करो कौन सी चीज को ना करो, बहुत कंफ्यूज्ड है आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, लोन नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अभी मैं देखूंगा इस नेगेटिविटी से किस तरफ आप जा रहे हो, किस तरफ आप जा रहे हो, इस नेगेटिविटी से किस तरफ आप जा रहे हो। पहला कार्ड डेथ, एक डोर ऑफ दूसरे डोर ओपन, डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आ रहे हैं, रीबर्थ आ रहे हैं, डेफिनेटली आप एक नए पर्सन में बदल रहे हो, एक नया जॉब अचानक आएगा, एक नया बिजनेस आइडिया आएगा, फिर से आप आगे बढ़ेंगे, ये होना ही है, फिर से आप आगे बढ़ोगे, फिर से रीबर्थ होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा, रेज योर वाइब्रेशंस, फिनिक्स की तरह आगे बढ़ोगे। सेकेंड कार्ड हेड ऑफ कप्स, मूविंग टूवर्ड्स अ हैप्पी जर्नी, मूविंग टूवर्ड्स कंक्लूशन, मूविंग टूवर्ड्स अ हैप्पी आउटकम, पीछे छोड़ के जा रहे हो ऑब्स्टिकल्स को, नेगेटिव पथ को पीछे छोड़ के जा रहे हो, एंड डेफिनेटली एक बहुत प्यारा न्यू बिगिनिंग की तरह जा रहे हो। हो सकता है डिफरेंट कंट्री पे जा सकते हो, डिफरेंट सिटी पे जा सकते हो, ड्रीम जॉब पे जॉब मिल सकता है, फैमिली को छोड़ के जा सकते हो। एंड लास्ट कार्ड थ्री ऑफ का, सब कुछ सही रहेगा, ट्रस्ट मी सब कुछ सही रहेगा, ट्रस्ट मी सब कुछ सही रहेगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप जो चीज के लेके डर रहे हो ना कुछ नहीं है, रिकवर हो जाएगा, फैमिली को आप सेटल करा पाएंगे, प्रोटेक्ट करा पाएंगे, एंड आपके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी होगा। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई एम मनी मैग्नेट, सब सही हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा रीडिंग आया है। प्लीज़ लाइक तो कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है क्या, टैरो बाई अनिर्बन मुखर्जी, एंड मेरे ट्विटर को भी फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।